सारे जहां से अच्छा कांट इवन अफोर्ड अ ब्लडी कच्चा आई डोंट ट्रस्ट द इंडियंस सॉरी एग्जैक्टली मोदी जी की क्या करें उनको सरकार चलानी है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा ये जो आप सपने दिखा रहे हैं। अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50% वो 1% जाएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अरे इतना अर्थशास्त्र को हमने पढ़ रखा रजदे एक बार सुनो। तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। हटा दे तो मिल जाए। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें उनको सरकार चलानी है। तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ। हटा दे। और मैं मानता हूँ कि सब काम कोई भी किसी की भी सरकार हो सब मैं मानता हूँ कि सब काम कोई भी किसी की भी सरकार हो सब काम सरकार से हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। समाज को भी आगे आना पड़े, काम सरकार से हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, समाज को भी आगे आना पड़े। आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? ये जो आप सपने दिखा रहे हैं। अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50% वो 1% जाएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा रजत, एक बार सुनो। है जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल क्योर है, हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कंफ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3-7 डेज और 0% डेथ रेट है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं दुनिया के लिए। अरे उन लोगों को तो देखो, लोग कितने पैनिक में हैं, कितने परेशान हैं। आपको खुशी होनी चाहिए कि कम से कम कहीं से एक आशा की किरण तो मिली लोगों को। वैक्सीन खोजने में दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें जिनके पास हजारों लाखों करोड़ के बजट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो लोग लगे हुए हैं। हम फकीरों ने ये खोदी है औषधि,
तो इसके लिए शुक्रिया करना। एक आधे शब्द की मर्यादा रखनी है तो मर्यादा रख रहे हैं। स्वामी रामदेव हर दिन टारगेट पे आते हैं। मैं यदि बोलता हूं ना तो बड़ी बड़ी जो साम्राज्यवादी ताकतें उनकी चूल्हे हिलती हैं, जड़े हिलती हैं। क्यों? जैसे मैं आपको यदि एक घंटा बोलूं तो मेरे 1000 मेरे शब्दों पर आपत्ति हो सकती है। मैं कहता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के वर्तमान तक जितने भी ये MNC थे, इन्होंने 1000 लाख करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष परोक्ष लूट की है। तो इसी से लूट शब्द क्यों बोल दिया? अरे भाई, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, सब तरह से देश को दरिद्र बनाया गया है। एक पूरा षड्यंत्र उसके पीछे। अब